वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर सब्जेक्ट इज हिंदी ऑफ क्लास सेकंड, लेसन थर्ड, मेरा परिवार। तो इस लेसन में हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेसन में एक राही नाम का बच्चा होता है, पात्र होता है, करेक्टर होता है, जो अपनी सारी कहानी बताता है, सारी अपनी फैमिली के बारे में परिचय देता है, अपने बारे में सब कुछ बताता है और दूसरों को भी पत्थर लेकर खुद के बारे में बताने के लिए कहता है। प्रस्तुत पाठ में परिवार के प्रति प्रेम और उसके महत्व को दर्शाया गया है। तो इस परिवार में प्यार और परिवार का महत्व जो है उसको दर्शाया गया है कि प्यार जो परिवार होता है उसमें आपसी तालमेल की बहुत आवश्यकता होती है, आपसी सपोर्ट केयर की बहुत आवश्यकता होती है। यदि एक दूसरे को केयर नहीं करेंगे तो हम किसी भी परिवार में कहीं पर भी अपने खुद के परिवार में भी कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इसके कुछ वर्डमिंग्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वर्ड मीनिंग हम कर चुके हैं पीछे वीडियो लेक्चर में, वर्ड मीनिंग हो चुके हैं। आज हम टेक्सुअल लिटरेसी पार्ट की बात करेंगे, पार्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिलअप करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे, और जैसे मौखिक क्वेश्चन हैं चार तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ओरल क्वेश्चन हैं, राही कहाँ रहता था, तो राही कहाँ रहता था, कहाँ रहता था, राही गाजियाबाद में रहता था। राही के पिता का क्या नाम है, अब राही के पिता का क्या नाम है, ये क्वेश्चन जो है हमें सारे क्या करने हैं, आपको लेसन में ही मिल जाएंगे। तो लेसन में जाकर हम इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। जैसे राही के पिता का नाम जेपी सिंह है, राही के पिता का क्या नाम है, जेपी सिंह है। और आगे नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, राही की छोटी बहन का क्या नाम है, राही की छोटी बहन का नाम नीता है, क्या है, राही की छोटी बहन का नाम नीता है। राही की छोटी बहन का स्वभाव कैसा है, राही की छोटी बहन का स्वभाव बड़ा चंचल है, नटखट है। तो नेक्स्ट कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमें हर क्वेश्चन में तीन तीन ऑप्शन दिए गए हैं, तीन तीन विकल्प दिए गए हैं, इन तीनों में से हमें एक को चूज करना है। राही के दादाजी क्या पढ़ाते हैं, अब राही है जो, उसके दादाजी क्या पढ़ाते हैं, उसके दादाजी विज्ञान पढ़ाते हैं। राही की बड़ी बहन का क्या नाम है, नीता, शीला या विनीता, क्या नाम है, नीता उसकी छोटी बहन का नाम है, शीला किसी का नाम नहीं है यहाँ पे, तो उसकी बड़ी बहन का क्या नाम है, वनीता, विनीता। राही कितने वर्ष का है, राही कितने वर्ष का है, इस लेसन में राही 7 वर्ष का है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है, गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, हमें यह है गद्यांश पढ़ना है और नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर देने हैं, आंसर देने हैं। तो ध्यानपूर्वक यह गद्यांश पढ़ना है पहले। जैसे मेरा नाम राही है, मैं 7 वर्ष का हूँ, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे घर का पता SH 331 शास्त्री नगर गाजियाबाद, जेपी सिंह मेरे पिता का नाम है, उनका कपड़े बनाने का काम है, भाग्यश्री मेरी माँ का नाम है, वह गृहिणी है और घर का सारा काम संभालती है, मेरा परिवार छोटा है, बहुत छोटा है। तो इसका हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को पढ़कर, अब इनके गद्यांश को पढ़कर इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो राही कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो क्या है कि राही कक्षा 2 में पढ़ता है, राही कक्षा 2 में पढ़ता राही के पिताजी क्या काम करते हैं, तो इसमें देखेंगे हम राही के पिताजी कपड़ा बनाने का काम करते हैं, राही
के पिताजी कपड़ा बनाने का काम करते राही के घर का पता बताओ। अब हमें राही कहाँ रहता है उसका घर का पता बताना है, तो SS 331 शास्त्री नगर गाजियाबाद। क्या लिखेंगे? SH 331 शास्त्री नगर, शास्त्री नगर गाजियाबाद। तो आज का हमारा होमवर्क यहीं तक रहेगा। आपको ओरल क्वेश्चंस करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, गद्यांश पढ़कर इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, तो ये आपको बुक में ध्यानपूर्वक राइट करने हैं और लर्न करने हैं। थैंक यू।